नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। कांग्रेस वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश तिवारी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधे। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में कांग्रेस वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश तिवारी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 60 साल की नौकरी देकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। ईडी ने राहुल गांधी के पूछताछ और गिरफ्तार पर बोले कि भाजपा 2024 को लेकर यह सब भूल कर रही है और कांग्रेस को बदनाम कर रही है। लोगों से जानकारी करना चाहिए, तब इसको लाना चाहिए था ना। हम नहीं समझते हैं कि इस पर इस तरह की आनन फानन में। भाई, नौकरी के वादा तो माननीय मोदी जी ने 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष नौकरी देने का वादा किया था। आज 5-5 लाख की 10 लाख की बात कर रहे हैं कि हम 2 साल में 10 लाख रोजगार देंगे। आखिर इस देश में नौजवान कहाँ जाएंगे? आप मीडिया वाले हैं, आप लोगों को बताइए कि नौजवान कहाँ जाएंगे? उनको रोजी रोटी देना किसका काम है? सरकार का काम है ना, इसलिए सरकार चुनी जाती है। चुनी हुई सरकार का काम है जनता की मदद करना, उनकी सेवा करना। हम सेवा के लिए राजनीति में आते हैं, व्यवसाय के लिए नहीं आते हैं। ये तो व्यवसाय हो रहा है कि 4 साल आप करिए, नहीं तो आपको हटा दिया जाएगा 4 साल बाद। आपने एक पर्चे बता दीजिए। मैं ओम प्रकाश तिवारी, बलिया नगर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी का चुनाव लड़ा था। आप कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता हैं और जो माहौल देखे अभी कल जनपद में, जो हिंसा हुई, ट्रेन की बोगी फूक दी गई, टोल फूक दी गई, और अग्निपथ को लेकर क्या आपका जवाब इसका है? देखिए, हम तो अहिंसा के पुजारी हैं और जो इस देश में इस समय चल रहा है, मैं दिल्ली से लौट कर आया हूँ। वहाँ कांग्रेस कार्यालय में, राष्ट्रीय कार्यालय में, आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले भी इस तरह का कृत्य नहीं हुआ था कि पुलिस घुस करके और कार्यकर्ताओं को पीट रही है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज़ादी के बाद ये पहले बार देखने को मिल रहा है कि किसी पार्टी के कार्यालय को, वो भी कांग्रेस पार्टी जो 136 साल पुरानी पार्टी है, उसके कार्यालय में घुस करके पुलिस कार्यकर्ताओं को अनाहक मार रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या है? और जो अग्निपथ की योजना है, यह नौजवानों को बौना बनाने की कोशिश है। इस देश के नौजवान सेना में भर्ती के लिए आतुर रहते हैं, तैयारी करते हैं। 4 वर्ष तो उनको तैयारी करने में लगता है। 15-16 साल के होते हैं तब से लड़के दौड़ना शुरू कर देते हैं, और कैसे कैसे करके गरीब परिवार के बच्चे अगर भर्ती हो जाते हैं तो उनका आँख में सपना होता है कि हम अपनी बहन की शादी करेंगे, परिवार के लोगों को भरण पोषण होगा, माँ बाप की देखेंगे। ये क्या हो रहा है देश में? ऐसे कानून को मैं मोदी जी से यही निवेदन करूँगा, इस कानून को वापस लें और युवाओं के हित में फैसला लें। हम अहिंसा के पुजारी हैं, किसी तरह का वायलेंस हम नहीं चाहते हैं कि हो। अपनी बात युवाओं को शांतिपूर्ण तरीके से, धरना के माध्यम से, गांधी जी के प्रतिमा पर बैठ करके कहीं शांतिपूर्ण धर्म प्रदर्शन करना चाहिए, मार्च निकालना चाहिए। तोड़ फोड़ का हम पक्षधर नहीं। हम आपसे जानना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी ने जिस तरह छापा मारी थी और पूछताछ लगातार राहुल गांधी से की रही है, देखिए, इससे कोई भी कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता विचलित नहीं होने वाला है। और हम अंतिम दम तक, चाहे जितना दिन जेल में राहुल गांधी के साथ हम लोगों को रहना पड़े, हम लोग जेल में रहने के लिए तैयार हैं। ऐसा नहीं है, राहुल गांधी का केस 2014 में जो फाइल कराया गया था, 15 में यही ईडी ने इसको बंद कर दिया था। इनको जिस केस में नो प्रॉफिट नो लॉस का सब कुछ सबूत उनके पास है, 9-9 घंटे राहुल गांधी को बैठा करके केवल ये मनोबल डाउन करने की व्यवस्था है। इस बात को पूरा देश के नौजवान समझ रहे हैं, सब लोग समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। वह आदमी, वह परिवार जो देश के लिए अरबों की संपत्ति होगी, आपको मैं थोड़ा सा छोटा सा उदाहरण देता हूँ, आनंद भवन का, जिसको उनके परिवार ने दान कर दिया देश के लिए, ये क्या तमाशा हो रहा है? हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन हम लोग इसको, राहुल गांधी को हम लोग झुकेंगे नहीं। राहुल गांधी जैसे कह रहे हैं, जैसे खड़े हैं, हम लोग मजबूती से के साथ उनके साथ खड़े हैं और मरने के दम तक हम लोग खड़े रहेंगे। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये यह केवल 2024 का चुनाव का
यह टेलर बनाया जा रहा है कि देश के जनता के सामने राहुल गांधी का ये चरित्र हनन की व्यवस्था है, इसमें और कुछ नहीं है। क्या मानते हैं मोदी सरकार अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कांग्रेस को परेशान कर रही? बिल्कुल दुरुपयोग है। अगर ये दुरुपयोग नहीं होता तो शांतिपूर्ण अगर कोई प्रदर्शन कर रहा है अपने कार्यालय पर जाने पर आप रोक रहे हैं? हमारे दो दो मुख्यमंत्री को डिटेन देखे घंटे किया गया क्यों, और मुख्यमंत्री को क्यों नहीं किया जाता है? आखिर कांग्रेस के मुख्यमंत्री के साथ माननीय भूपेश बघेल जी को जेड प्लस की सुरक्षा है, उनको एक पुलिस उनके साथ मैं दिल्ली में देखा। ये क्या हो रहा है देश में? अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लगा? आप तो ये कह देंगे कहाँ चलिए हो गया, लेकिन ये कौन जिम्मेदार होगा इसके लिए? ये क्या हो रहा है देश में? ऐसे सब लोग समझ रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, और कांग्रेस पार्टी जैसे अंग्रेजों से देश को आज़ाद कराने में लड़ी है उसी तेवर के साथ आज भी खड़ी है। हम देश के साथ हैं, नौजवानों के साथ हैं, और राहुल गांधी के साथ हैं, इसलिए हैं कि राहुल गांधी ने कोई गलत नहीं बोला है, और देश में कोई नेता है इस देश में तो केवल विपक्ष की आवाज़ अकेले राहुल गांधी हैं, बाकी लोगों को पूरा देश देख रहा है कि क्या लोग कर रहे हैं। इसका मतलब ये है तो सरकार कुछ भी करे आप लोग पीछे हटने वाले नहीं है? नहीं, सरकार कुछ भी क्यों करेगी? हम ये सरकार से जानना चाहते हैं या ईडी के अधिकारियों से हम लोग यह भी जानना चाहते हैं कि जो फाइल आपने बंद कर दिया 8 वर्ष बाद आज खोलने के क्या तुक है? ये राहुल गांधी का चरित्र हनन का प्रयास है, और राहुल गांधी ने अगर चोरी किया है तो आप बेहिचक मुकदमा के चलाइए। हम नहीं कहेंगे हम मुकदमा में हम फेस करेंगे, इसके लिए कानून है, न्यायपालिका है, ये नहीं है कि हम कानून से बढ़कर गए हैं। लेकिन यह कौन सा कानून है कि जो आप एक बार जो फाइल बंद हो गई उस फाइल को फिर आप ला करके कह रहे हैं कि नहीं इसका जवाब दे दो? जो आदमी ये कह रहा है कि भाई सब कुछ आपके पास है, कोई भी ऐसा कागज़ नहीं है इनकम टैक्स का या इस देश में आज के समय में कि टेक्नोलॉजी से युक्त है, सब सबको पता है कि कहाँ खाता से 8 वर्ष में कोई जिसमें टर्नओवर नहीं हुआ, पैसा नहीं निकला, उसको आप कह रहे हैं कि अब हिसाब दे दो? कौन सा हिसाब राहुल गांधी देंगे आप बताइए? आप अनपढ़ लोग भी इस बात को अब गांव में कह रहे हैं, हम लोग घूम रहे हैं कह रहे हैं कि ये तो सरासर गलत हो रहा है, और पता नहीं ईडी के पास क्या सबूत है। ठीक है, चलिए आपके पास सबूत है तो देश की कानून सरोपर है और न्यायपालिका पर हम लोगों का भरोसा है, न्याय के लिए हम लोग आगे जाएंगे, उसमें कौन सी बात है? और ये लड़ाई ये राष्ट्र की लड़ाई है, 4 वर्ष की नौकरी देना ये कौन सा न्याय संगत है हमको आप बताइए ना? चलिए ठीक है, आपकी बात जो इस समय चल रहा है 4 साल की नौकरी की क्या तुक है? 6 महीना ट्रेनिंग करेगा, 6 महीना का वो उसको छुट्टी मिलेगी, 1 साल तो उसका इसी तरह से निकल गया, और 3 साल की नौकरी दे करके आप 10 लाख रुपया ही दे देंगे उसको वापस करके, तो उसके परिवार नहीं चलेगा ना? ये इस पर आपको विचार करना चाहिए, और राष्ट्र यह देश जो कानून है जिन्होंने भर्ती के लोगों को वापस लेना चाहिए सरकार को, कौन सा भर्ती? जो सेना भर्ती है 4 साल को वापस लेना चाहिए। देखिए 15 साल के लिए सेना में व्यवस्था पहले से बनाई गई है, 15 साल चाहे तो वो और भी आगे बढ़ काम कर सकता है, लेकिन 15 साल में स्वैच्छिक रिटायरमेंट की यह व्यवस्था है, इसमें आप ये नहीं कर सकते हैं। और दूसरी चीज, आप कानून बनाते हैं तो कानून में संसद में राय सुमारी। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।